बहनों और भाइयों, इस साल की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म अवार्ड दिया जा रहा है मिस किरण को। और बहनों भाइयों, अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब दो अवार्ड्स का अनाउंसमेंट एक साथ होगा, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर, क्योंकि दोनों अवार्ड एक ही इंसान को मिल रहे हैं, वो जो हर सिनेमा प्रेमी के दिल में बसा हुआ है, सबके दिल की धड़कन बना हुआ है, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का फिल्म अवार्ड जा रहा है विजय को। अभी अभी खबर मिली है कि अभी अभी पाकिस्तान से उड़कर यहां आई है एक बड़ी सुरीली गायिका, एक ऐसी गायिका जिसने सारी दुनिया को मदहोश कर दिया हुआ है अपनी आवाज से, और वो गायिका है रेशमा। जी हां, रेशमा यहां आई हुई हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों विजय को ये दोनों अवार्ड पेश करें। रेशमा, आधा वर्ष है। सलाम, एक मिनट। मुझे बेस्ट एक्टर डायरेक्टर चुनकर आप लोगों ने जो इज्जत मुझे बख्शी है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि मुझे सिर्फ बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाए, क्योंकि बेस्ट डायरेक्टर का सही मानों में हकदार मैं नहीं, वो देवी हैं जो मेरी प्रेरणा हैं, मेरी जिंदगी हैं, जिन्होंने मुझे हर कदम पर इंस्पायर किया कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं, और आज मैं बन गया। वो हैं मेरी बीवी, माय वाइफ शांति सक्सेना। इस इनाम के हकदार तो ये हैं, मेरा असली नाम तो बस इनका प्यार है। अब मैं रेशमा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के भाई बहनों के लिए दो लाइन गा दें। सोचा था कि सुबह सबसे पहले आज के चढ़ते सूरज सुपरस्टार एक्टर डायरेक्टर विजय बाबू को नमस्कार करेगा, मगर बेड़ा यहाँ तो नमस्कार की लाइन लगी हुई है। बोलो झूलेलाल, चरिया सर को उधर झूलेलाल साईं। हाँ झूलेलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कितना सुठा छोकरा है, कितना एटीकेट वाला छोकरा है। मुझे मालूम है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन क्या है कि मैं एक वक्त में सिर्फ दो ही फिल्में करता हूँ, और इस वक्त दो फिल्में मेरी फ्लोर पर हैं। बड़ी साईं, तुमको थोड़ी बोलता है हाने पिक्चर शुरू करो, जब तुमको वक्त मिले तब शुरू करना। हाँ ये लो पूरे 2 लाख रुपए। ओ गुड मॉर्निंग विजय बाबू। अरे ताराचंद जी आप, और सुबह सुबह। माँ भी जाना जी, आना ही पड़ गया है। हो गया क्या है, वो अपनी हीरोइन है ना किरण, उसकी 16 दिन की आउटडोर शूटिंग थी किसी और प्रोड्यूसर के साथ, वो कैंसिल हो गई है। उसने वो डेटे मैंने दे दिया, हम कल से शूटिंग कर सकते हैं अगर आप। ताराचंद जी, ये 15 मई से 15 जून आपकी डेट नहीं, मेरी फैमिली की डेट है, और ये मैं
आपके एग्रीमेंट में लिख चुका हूँ। मैंने कहा था, हीरोइन ने कहा है। अगर आपकी हीरोइन ने कह दिया कि फैमिली को छोड़ दो, क्या मैं फैमिली छोड़ दूंगा? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं जितना प्यार अपने काम से करता हूँ उतना ही मैं अपनी फैमिली से करता हूँ। मैं साल में 11 महीना काम करता हूँ और इस महीने वो दोनों मेरा इंतजार करते हैं। 16 जून को ठीक सुबह 7 बजे मैं आपकी शूटिंग में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल साईं साईं है बलखर रुपया झूलेलाल प्रणाम जियो मेरे बच्चों। भाई विजय, तुम्हारे अवार्ड के बारे में पेपर में पढ़ा, मुबारक हो। जब भी तुम्हारा नाम आसमान की बुलंदियों पर लिखा देखता हूँ कितनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकता। ये सब आप ही का आशीर्वाद है। नाना जी मेरे लिए क्या लाए हो? हम अपने प्यारे प्यारे बेटे के लिए ये हवाई जहाज के टिकट, ये चाबी से चलने वाला हवाई जहाज और ये चॉकलेट लाए हैं। देखो पापा, मेरे नाना जी कितने अच्छे हैं। पापा जी, ये हर साल आप हर साल तुम यही सवाल पूछते हो और मैं यही जवाब देता हूँ कि साल में कम से कम मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए मैं अपनी बेटी और बंटी पे कुछ खर्च कर सकूँ। तो छुट्टी और खर्चा मैं उठा लिया करता हूँ। पापा देखिए, बंटी आपके आने से कितना खुश है। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसा है मैनेजर साहब? आइए विजय बाबू। बंटी बाबा दिखाई नहीं दे रहे? वो अपने नाना जी के साथ डिज्नीलैंड गया हुआ है। हमारा कमरा तो तैयार है ना? आपकी पसंद के मुताबिक आपका कमरा बिल्कुल तैयार कर दिया। मैनेजर साहब, आप हमारी पसंद का इतना ख्याल रखते हैं, शायद इसीलिए हमारा दिल किसी और होटल में नहीं लगता। कस्टमर का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आइए प्लीज।
इन बाहरों के चले जाने से भी जी। धोखेबाज, बेवफा, आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। तुम प्यार के नाम पर कलंक हो। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा धोखा दिया है मैंने? तुम दुश्मन की जासूस हो और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए प्रेम का नाटक करती रही मेरे साथ। नाटक? मेरे प्यार को नाटक मत कहो राजन, मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूँ। अब अगर तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया है तो सुनो। हाँ, मैं वाकई दुश्मनों के लिए काम करती हूँ, मगर क्या किया? मुझे माफ कर दो राजन। हाँ बदू। जीते जी, मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन नहीं दिला सकती थी, लेकिन मेरी मौत ने तुम्हें मेरे प्यार का सबूत दे दिया है। मुझे अपने गले से लगा लो। कट कट कट। किरण, तुम अभी तक समझ नहीं पा रही हो कि मुझे चाहिए क्या। मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो दर्द वो मायूसी चाहिए जो साजन से बिछड़ने और मौत को गले लगाने में होती है। मैं ऐसे शॉट 6 बार दे चुकी हूँ विजय साहब, आई थिंक ये मेरे लिए ओके है। किरण, कौन सा शॉट ओके है कौन सा शॉट ओके नहीं है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो शॉट मुझे चाहिए अगर मुझे नहीं मिला तो यही शॉट बार बार होता रहेगा। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं विजय साहब, मेरे नाम का कुछ तो ख्याल कीजिए। किरण, कलाकार जितनी इज्जत उसके काम को देता है उतनी इज्जत उसके नाम को मिलती है। नाम से ज्यादा अपने काम से प्यार करना सीखो। आपको क्या लगता है मुझे काम नहीं आता? मेरी दर्जनों फिल्में देखकर मेरे काम की तारीफ और मुझे हिट करने वाले दर्शक क्या मूर्ख हैं? या आप उन लोगों से ज्यादा अक्लमंद हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है? उफ, सारा मूड ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब क्या होगा इस फिल्म का ये सोचकर दिल घबराता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई चला जाता है। राजन जी, अब अपनी किरण वो किरण नहीं रही। उसके दिल में काम की लगन से ज्यादा दौलत समेटने का लालच है। ओ, तुझे बादशाह की गल्ला कर दे। हमारी इंडस्ट्री में दौलत समेटने का लालच किसको नहीं है? किस किस से लड़ोगे? देखिए, मैंने फैसला कर लिया है, इस फिल्म में किरण की जगह मैं एक नई लड़की इंट्रोड्यूस करूंगा। हाँ, जो जी चाहे करो, मगर जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ बेटी, गाना क्यों बंद कर दिया? वो आ गए हैं। कहाँ है वो? वो है तुम्हारे पीछे। लेकिन भाई, आपको पता कैसे चला?
आपको अपने कदमों की आहट की पहचान इतनी नहीं जितनी मेरे कानों को है। वाह, पति पत्नी में प्यार हो तो ऐसा। अच्छा गुरुजी, बाकी का कल। ठीक है। अच्छा विजय बाबू, नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी को क्यों भेज दिया? संगीत नहीं सीखोगी? आप ही तो मेरे जीवन का संगीत है। जब आप आ गए तो मुझे दूसरे संगीत की क्या जरूरत? तुम जैसी बीवी पाकर यूं ही मैं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसानों में से हूं। और अगर यही बात मैं आपसे कहूं तो? तो हिसाब बराबर हो जाएगा। लाइए मैं आपकी जूते उतार दूं। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं। पति की सेवा में जो सुख पत्नी को मिलता है वो सिर्फ एक पत्नी ही जान सकती है। हो गया ना, अब नई लड़की इंट्रोड्यूस करूंगा। नई लड़की? हाँ। आप अखबार में इश्तेहार दे दीजिए, आपका इश्तेहार पढ़कर दर्जनों लड़कियां आ जाएंगी। बस वही किया है। बंटी कहाँ है? पापा, अरे बाबले, चलिए पापा मेरे को नींद ना। आप तो जानते ही हैं, जब तक आप इसको नहीं सुलाते इसे नींद नहीं आती। हाँ मैं तो इन्हें सुलाने जा रहा हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए। ये पापा मुझे वो कहानी सुना। कौन सी कहानी? वो हीमैन वाली। हीमैन वाली? अच्छा, एक हीमैन था और एक सुपरमैन। हीमैन सुपरमैन बन गया और हीमैन ने बोला स्केलेटर को बुलाओ। स्केलेटर आया, हीमैन ने अपनी तलवार निकाली और स्केलेटर को मार दिया। जब स्केलेटर को मार दिया को सुला दिया, अब हम छोड़िए ना, मुझे नींद आ रही है और आप भी सो जाइए। तुम तो जानती हो जानेमन, जब तक हम सो नहीं जाते हमारा ये हाथ ना जाने कहां कहां चला जाता है। अरे अब तो तुम्हारा ये बहाना भी नहीं चलेगा कि बंटी छोटा है, हमें तो एक बच्चा और चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दिलदार मियां। अरे तुम बहुत बेवक्त का इंसान निकला यार, ये कोई टाइम है डिस्टर्ब करने का? अरे नहीं नहीं, मैं एक रोमांटिक सीन में खोया हुआ था। अरे कहां हो यार, मुलाकात नहीं होती? अरे बहुत जी चाह रहा तुमसे मिलने को। चलो ठीक है, कल सुबह का नाश्ता हमारे साथ। खुदा हाफिज। क्या बनो नाश्ते में? यही कोई 100-150 पराठे और 10-12 किलो गोश्त। क्या? हाँ, अपना सुलेमान दिलदार जो भी कुछ करता है ना दिल से करता है, अब हम भी जो कुछ भी करेगा दिल से करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, भाई खुदा खैर करे। ऐसे ही दिलदार भाई को गरम गरम पराठे खिलाते रहो, वाह 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 वाह, जिंदगी बन जाए। अब यानी कि एक काम हमारा और कर दो, एक राजपूती चाय पिला दो हमका। ये राजपूती चाय क्या होती भाई? ये राजपूती चाय वो होते है भैया जिमा चम्मच से नहीं तलवार से शक्कर मिलाए जाते। हमरी भी कमबख्त तमन्ना ही रह गई लो कि कोई गोरे गोरे हाथन से ऐसी चाय का प्याला हमरे सामने भी रख देता। भाई आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे हमार दिल है भाभी, कनु कैलेंडर नहीं है कि यहाँ दीवार से निकाल लिया वहाँ दीवार पे चिपका दिया मक्कर लगा के। किसी को दिल दे बैठे हैं क्या? नहीं, दिल नहीं नहीं नहीं, एक बार एक छुकरिया को दिल दिया था,
वो हमने दिल को ऐसा फुटबॉल समझ के ऐसी लात मारे ऐसी मार मारे कि दिल तो दिल हम खुद ही फुटबॉल बन के रह गए। वो दिन से हम फैसला किए ना तो किसी को दिल देंगे और ना ही प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। मैम साहब आपका फोन। अच्छा मक्खन लगाएगी। अरे विजय हम आज के अखबार में पढ़े हैं कि तुझे एक हीरोइनी की जरूरत है। हाँ तो हाँ हमारी नजर में है एक। तो एक काम करना शादी क्यों नहीं कर लेता। ला हौल वला कुव्वत। वो शादी करने के लायक नहीं है भैया मगर तुहार पिक्चर में हीरोइनी बनने के लायक है। फिट। अच्छा कैसी है। कैसी है हाँ 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 हाँ। अरे भाई यूं समझ लो कमान जैसी दूठो भवें और चेहरे के ऊपर साया करने वाली घनेरी पलके और चील जैसी आंखें। अरे तेरी मत मारी गई यार चील नहीं झील जैसी आंखें। यार चील झील दोनों का मतलब तो गहराई से है ना है? और जब वो चलत है आहा, तो वो चलत नहीं उनकी कमरिया में जितने बल पड़त है ना। अरे हम कहते भैया नागिन भी शर्मिंदा हो जाए। अरे छोकरिया नहीं छोकरिया वो तो चलती फिरती कयामत है कयामत। कम कर मक्खन लगाई के। इतनी सारी खूबियां किसी लड़की में नहीं होती। ये सब किताबी बातें हैं। हाँ ये किताबी बातें नहीं है बबुआ ये हकीकत है मक्खन लगाई के। और ये हकीकत ने सारे शहर को दीवाना बना रखा है मक्खन लगाई के। अच्छा तो वो कौन है और कहाँ रहती है। मुझे
लगा थे गौरी भाई हीरोइन बन गई मक्खन लगाए के। ए विजय बाबू होई गवा। गौरी मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ बेटी। हमारा अंग अंग टूट रहा है मामा, जरा जल्दी बात खत्म करो, हमें जोरों की नींद आ रही है। अरे सोने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है बेटी, आलस की एक घड़ी इंसान को अपनी मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। बेटी अपने मामा की बातें जरा गौर से सुना करो, ऐसे तजुर्बेकार लोगों की नसीहत ना लो तो जवानी बेमोल लुट जाती है। ध्यान रहे मेरी बच्ची, उस डायरेक्टर ने हमारा मुकद्दर बनकर हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है। ये सोने का नहीं, सोए हुए मुकद्दर को जगाने का वक्त है। अपनी अदाओं का जादू जगाओ, नखरों के नश्तर तेज कर लो बेटी, हमारी दी हुई तालीम की आजमाइश का वक्त आ गया है। जब तुम हीरोइन बन जाओगी तो सारी बिरादरी आए हाय क्या हसरत भरे निगाह से देखेगी हमें। हम जानते हैं छैया जान, जिन परिंदों की परवाज बुलंद हो वो जल शिकार हो जाते हैं, और हम विजय को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लेंगे। माँ सदके, अरे जरा बच के, यानी के कैद में है बुलबुल और सैयार मुस्कुराए, कुछ कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए बेचारा विजय। सोच रहे हैं आप? एक खुशखबरी सुनोगे? खुशखबरी? मुझे मेरी हीरोइन मिल गई। आपकी हीरोइन या आपके फिल्म की हीरोइन? अरे बाबा मेरी फिल्म की हीरोइन। इसका मतलब आपका इंटरव्यू काफी कामयाब रहा? बिल्कुल नहीं, उसमें तो एक भी काम की लड़की नहीं थी। ये कौन है? है एक नेहायत ही हसीन लड़की, उसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ओ, काफी इंप्रेस लगते हैं आप, कहीं खतरे की बात तो नहीं ना? तुम जैसे खतरे के होते हुए मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। चलिए यकीन कर लेते हैं, लेकिन लड़की का मामला इतना नाजुक होता है ना कि यकीन होकर भी नहीं होता। तुम्हारी ये फिलोसफी भरी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और मैं? तुम तो मेरी जिंदगी की हीरोइन हो। पापा, अरे मर गया। आपने कहा था मम्मी से दो मिनट बात कर आता हूँ। बेटा मैं तो वही कर रहा था, तुम आ गया ना इसलिए नहीं कर पाया। अरे मैं तो भूल ही गया था तुमको सुनाना है। मैं जरा इसको हीमैन की कहानी सुना के आता हूँ। गौरी, ओ गौरी मेरी बिटिया। अरे विजय बाबू का टेलीफोन नंबर ले आया हूं। बिटिया नाज़ो अंदाज का दाना प्यार के जहर में भिगोकर पंछी को यूं डालो कि पंछी चूगने को तड़प उठे, और एक बार चूग ले तो बिटिया तड़पता ही रहे तड़पता ही रहे, समझी? ये लो 521234। अरे ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। हेलो, हम आपको बिना इजाजत डिस्टर्ब करने की माफी चाहते हैं।
कल रात हमने आपको पहली बार रूबरू देखा तो सारी रात आंखों ही में गुजारती। कहिए आपको हमारा नाच कैसा लगा? तुम्हें एक अच्छी कलाकार की सारी कलाएं मौजूद हैं, बल्कि तुम एक अच्छी कलाकार हो। सच? खुदारा हमारी इस कदर तारीफ मत कीजिए। आपके होठों से हमारी तारीफ हमसे हमारा दिल और चैन छीन लेगी। एहसास कुछ हद तक अच्छा लगता है गौरी। कल रात आपके आने की खुशी में हम इस कदर टूट कर नाचे कि अब तक हमारा अंगंग टूट रहा है। क्या ये खुशी हमें आज शाम फिर नसीब नहीं हो सकती? गौरी आज मैं आपको हमारी कसम, आपकी ना हमारी जान ले लेगी। हमारे कान आपके कदमों की आहट सुनने के लिए तरसते रहेंगे। तरसाइएगा ना। बाय बाय। आप मुझे इतना गौर से क्या देख रहे हैं? औरत औरत में फर्क देख रहा हूं। आदाब। बैठिए विजय साहब। विजय साहब आप तो गौरी की जिंदगी में नसीब बनकर आए हैं, और फिर ऐसा नसीब, वो तो नसीब वालों को ही नसीब होता है। ओए 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 आज ओए ओए का जमाना है, रोए रोए का जमाना नहीं है। यही धुन दिलीप कुमार ने फिल्म दीदार में रो रो कर सुनाई थी। मैं आपको हंस के सुनाता हूँ। अरे नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, अरे आजमाने आया हूँ तुझी को तेरी तेरी कहानी सुनाने। अरे उस्ताद जी, अगर नसीब इतनी मुसीबत में है तो उसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? तुम ठीक कहते हो, नसीब को नसीब परी छोड़ देता हूँ। जिनका टका जिनका टका जिनका टका जिनका टका। बिजली चमकी, खिंच गई मेरी फोटो मेरी। अरे क्या करता है, बैठे पे बैठता है, अंधा है क्या? अरे अंधा तू है। आप यकीन नहीं होता कि आप कहीं हम सपनों की दुनिया में तो नहीं खो गए? शुक्रिया। गरीब इनसे मिलो, ये हमारे स्टील फोटोग्राफर हैं। जी मुझे किशन कहते हैं। गौरी मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें निकलवाना चाहता हूँ। शौक से निकलवाइए ना। मुबारक हो गौरी, विजय बाबू ने तुम्हें हीरोइन लेने का फैसला कर लिया है। और देखो ना, मुझसे लेन देन की बातें करते हैं, अब मैं क्या? ये कैसे हो सकता है? एक तो आप हमारी जिंदगी संवार, फिर उस पर उसकी कीमत चुकाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सोच का शुक्रिया, लेकिन मुफ्त में मैं कोई चीज लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुफ्त की चीज की कोई अहमियत नहीं होती। आपके मुंह में घी शक्कर। विजय साहब लेन देन तो अभी आपसे शुरू हुआ है। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ये लेन देन हमेशा यूं ही चलता रहे, ऊपर वाला बचा। अजी विजय साहब आप जो देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। किशन शुरू हो जाओ। मैं तेरा बस तेरा।
सोच रहा था तुम्हें इस फिल्म में हीरोइन लेकर मैंने कोई गलती नहीं की। तुम यूं ही गलती पे गलती करते रहोगे और जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम्हें तुम्हारी किसी गलती का एहसास नहीं होने देंगे। सर शॉट रेडी है। सर चलिए काट 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 विशाल। यस सर। ऐसा लग रहा है तुम गौरी से डर रहे हो। वो जितना करीब आ रही है तुम भागते जा रहे हो। कम ऑन होल्ड ऑन कम क्लोजर क्लोजर। सर मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विजय साहब क्या ये मुमकिन नहीं कि आप ये सब कुछ करके दिखा दें? व्हाई नॉट। कम विशाल कम यार। यस सर फॉलो मी। म्यूजिक विशाल ऐसा ही करना। आओ यहाँ बैठ। हम आज बहुत खुश हैं। हमने कितना मुश्किल काम इतनी आसानी से किया। काम की सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाए। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। पूछिए ना। तुम ये नाच गाने का काम
अपनी खुशी से कर रही हो या अब? अपनी खुशी से कौन नाचता है विजय साहब, ये तो मजबूरियां ही इंसान को रुसवा करती हैं। तुम बाजारे हुस्न में ही रहना चाहती हो या कुछ और सोचा है? हमारी दुखती रख को मत छेड़िए विजय साहब, वरना वरना हम रो देंगे। इस हुस्न के बाजार में सिर्फ हमारा जिस्म बसता है, हमारी रूह तो कहीं और बसना चाहती है। खुद पर इतना जबर करती क्यों हो? वो इलाका छोड़ क्यों नहीं देती? गौरी, गौरी तुम्हारा घर आ गया। हाँ? मैंने कहा तुम्हारा घर आ गया। घर जिसके दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले रहे, उसे उसे घर नहीं कहते विजय बाबू। मायूसी हार का दूसरा नाम है गौरी। अब वो वक्त दूर नहीं जब यह हार जीत में बदल जाएगी। आप कहते हैं तो मान लेती हूं, मगर वादा कीजिए आप कल जरूर आएंगे। आपके आने से इस लाश में जान आ जाएगी। हाँ, आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया। जरूर आऊंगा। अच्छा, आज रात हम चैन से सो पाएंगे। बेबी गौरी, मेरी किस्मत की पान की ग्लोरी, मैं इन दो यतीमों की तरफ से तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम वाकई अपने फन की फनकारा हो। अरे उस एक्टर की, उस फिल्म डायरेक्टर की, टर को क्या शीशे में उतारा है, टर टर टर। वाह, क्या फन दिखाया है। अरे मैं तो उस फन की बात कर रहा हूँ जिसे हिंदी में कला कहते हैं, मगर तुमने तो वो फन दिखा दिया नागिनों वाला। शट अप बेबी, तुम हीरोइन बन गई। ये घंटी प्रसाद म्यूजिक डायरेक्टर कब बनेगा? मैं लेट क्यों हो रहा हूँ? उस्ताद जी, आप लेट नहीं हो रहे दो, बल्कि अपनी बेकार झिकझिक से लटक रहे हैं। लटक नहीं रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में खटक रहा हूँ कांटे की तरह। गौरी बेटी, अपना हर कदम फूक फूक कर रखना, कहीं इतनी जल्दी फिसल मत जाना, वरना चीज चख लेने के बाद चीज का मोल कम हो जाता है। कहीं विजय बाबू तुम्हें? मामा, हम अच्छी तरह जानते हैं हमने किस वक्त कौन सा कदम कहां रखना है। और बेटी, जब तक तुम नामवर हीरोइन न बन जाओ, अपने पुराने आशिकों को जरा हाथ में रखना। हाँ बेटी, आज सेठ परसोत्तम लाल जी काफी देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, कल शाम को तुमसे मिलने फिर आएंगे। बेटी, उस गरीब को जरा पुचकार के रखना। समझ गई ना? छैया जान, ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। अब तो फल पक चुका है गौरी, खाने को कब मिलेगा? लीजिए खाइए ना। ओ, हम इस फल की बात नहीं कर रहे। सेठ जी, इंतजार बढ़ जाए तो मुलाकात का मजा और बढ़ जाता है। अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। जो जो तुम्हारा बदन भरपूर जवानी को छूता जा रहा है, क्यों क्यों हमारा सब्र हमें नोच रहा है। हम चाहते हैं कि ये फासला खत्म हो जाए। उफ़ो, कितने बेसब्रे हैं आप। फासले तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर बेहतर होगा कि बाकी की सारी बात आप पहले छैया जान से तय कर लीजिए। छैया जान से सब बातें तय हो चुकी हैं गौरी। तो फिर हुजूर, फिक्र किस बात की है? सुना है फिल्म वालों का जादू सर चढ़ के बोलता है, कहीं ऐसा ना हो फल कोई और खा जाए और हम पेड़ ही गिनते रहें। ओफो, नहीं नहीं से,
अगर आपको हम पे एतबार नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। होश में हो गौरी, तुम नहीं जानती तुम किससे बात कर रही हो। उस खरीदार से जो खिलौना समझ के खरीदने चला आया। तुम जैसे आयाश दुनिया की हर चीज दौलत के तराजू में तोलना जानते हैं, लेकिन याद रखो सेठ, बाजार में पड़ी हुई हर चीज बिकाऊ नहीं होती। हमारे भी कोई अरमान है, कोई सपने हैं। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हम हर वक्त दौलत के इशारों पर नहीं नाच सकते। गौरी! एक बात गौर से सुन लो सेठ, हुस्न के इस बाजार में तुम हसीन और जवान जिस्म तो खरीद सकते हो, मगर यहाँ पर किसी का दिल नहीं खरीद सकते। यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। हम अभी बिकना नहीं चाहते, बिकना नहीं चाहते। तुमने हमारी तोहिन की है गौरी। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने देंगे। ये हमारा घर है, तुम फौरन इस घर को खाली कर दो, समझी? अरे सेठ जी, अरे अरे बेटी, ये तूने क्या किया? उसी के सामने सर उठा लिया जिसने हमें सर छुपाने के लिए घर दे रखा था। अरे बेटी, अब हम खाना बदोश हो जाएंगे। मुसीबत के मारों को कोई सहारा भी तो नहीं देता। जाने दे, तू मत रो बेटी, मत रो बेटी, मत रो। बदनसीबी की लकीरें आंसुओं से नहीं धुलती, मत रो। अजी विजय बाबू, इसे कुछ समझाइए, मेरी तो कुछ नहीं सुनती। देख लिया आपने, सब हमसे खिलौना समझकर खेलना चाहते हैं। हम अपनी जान दे देंगे, मगर किसी को अपने आप से खेलने नहीं देंगे। गौरी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप हमें और हमारे गुनाहों को अपना लीजिए, वरना जिल्लत किस चार दीवारी में हमारा दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। आप हमें और हमारे गुनाहों को अपना लीजिए, वरना जिल्लत किस चार दीवारी में हमारा दम घुट जाएगा। बंटी। पापा। सोए नहीं अभी तक? आप अच्छी तरह जानते हैं, आप जब तक हमें सुलाएंगे नहीं तभी तक हमें नींद नहीं आती है, तो भी आप देर से आने लगे हैं, क्यों पापा? अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले सोने की आदत डालो और बात बात पर बुजुर्गों की तरह सवाल नहीं करते, समझे? क्यों ना करो, दिन भर तो आप घर बाहर रहते, रात को भी आपका इंतजार करना पड़ता है। अब तो आप पहले की तरह हमें प्यार भी नहीं करते। बकवास बंद करो, सो जाओ। पहले तो आपको हमारी बातें प्यारी लगती थी, अब बकवास लगने कैसे लगी? बंटी! क्या हो गया बेटे? पापा ने मुझे मारा, प्यार करते नहीं, मारते हैं, पापा गंदे हैं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, जाओ पापा से माफी मांगो। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैं क्यों मांगू? बंटी, सुनिए, बंटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। तमीज सिखाओ, वरना जिंदगी भर पछताओगी। अगर पछताना ही मेरे नसीब में लिखा है तो मैं उसे भी खुशी से कबूल कर लूंगी। यह हर वक्त फिलोसफी अच्छी नहीं लगती, अपनी बात को सीधे लफ्जों में कहना सीखो। सुनिए, क्या बात है जी, आज आपको हमारी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, हर बात बुरी लग रही है। मजाक का भी वक्त होता है, देर हो गई है, जाओ सो जाओ।
आपके बदले बदले से आसार हमें सोने नहीं देंगे। पहले आप बाहर से 10 बार फोन किया करते थे, मेरे बारे में पूछते थे, बंटी के बारे में पूछते थे, लेकिन अब आप घर में रहते हुए भी ये भूल जाते हैं कि हम लोग भी आपके साथ रहते हैं। सुनिए, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? ये आपकी परेशानी की कोई और वजह है? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे अपनी उलझन बताइए, शायद मैं सुलझा सकूं। चांद चांदनी से, सूरज अपनी रोशनी से। अगर अचानक ये सवाल क्यों? क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना फूल खुशबू से, रूह बदन से। मगर तुम्हारे पापा से मिलकर ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे हमारा मिलन नामुमकिन है। क्या कह रही हो तुम? इससे पहले कि तुम्हारी अमीरी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाए, तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। आगे मत कहो, अगर रूह ही निकल जाएगी तो जिस्म में क्या रह जाएगा? मैं तुम्हारी खातिर दुनिया की तमाम दौलत को ठुकरा सकता हूं, मगर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता गौरी, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा गोरी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सर, सर, सॉरी सर, इस फिल्म में हीरोइन का नाम रेखा है, गौरी नहीं। I'm sorry, ये शॉट थोड़ी देर बाद लेते हैं। ये ट्राली भी हटाओ। अरे दिलदार मियां, कब आए? लाइट ऑफ कर दो। जब तुम अपनी असली हीरोइनी का नाम ले रहे थे तब हम सोचते हैं बबुआ कि कहीं हम तुमको गौरी से मिला के कौनो गलती तो नहीं किए। नहीं नहीं दिलदार में, आप तुम गलत समझ रहे हो, गौरी एक बहुत ही अच्छी और वफादार लड़की है। वाह दोस्त, दिलदार को लगा है तू दिल का पाठ पढ़ाने। अरे दिलदार ने गौरी जैसी सैकड़न गौरियों की दिल की किताब पढ़ी है। वो महार सफा माँ वो वफा को तरसती रहती है, वफा को तरसती रहती है। देख दोस्त, तवायफ की अदाएं जो होती है ना, उनका समंदर इतना गहरा होता है ना, उसमें एक बार डूब गया तो यूं समझ ले तीनों जहां से गया। वक्त है, अब है वक्त है दोस्त, तू समझ जा। विजय साहब, सॉलिसिटर साहब ने ये कागजात भेजे हैं। ये कैसे कागजात हैं हम देखे तो? नहीं, तुम्हारे मतलब की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम गौरी को अपनी दिलदारी का सबूत दे रहे हो? ये कहीं तुम उसको अपने दिल के साथ साथ दुनिया भी उसके नाम लिख के दे रहे हो वसीयत में मक्खन लगाई के? अरे वाह, देखो मियां, आफरीन सैया जान, आफरीन अपनी गौरी को। विजय बाबू ने तुम्हारी दुनिया ही बदल डाली, किसी शह पर नजर ही नहीं टिकती। फर्श तो देखो कितना मुलायम है सैया जान, फिसलने को जी चाहता है। अरे फिसल फिसल कर यहाँ तक तो आप पहुँचे हो, ज्यादा फिसलोगे तो सीधे नर्क में पहुँच जाओगे। क्या कहा? स्वर्ग में पहुँच जाओगे। अरे उस्ताद जी, कभी तो सीधी बात किया करो। अरे इसे बकने दो सैया जान, मुझे तो ऐसा लगता है
जान। हम लोग शीश महल में आ गए हैं। क्या कारीगर बेटी पैदा की है, मैंने तो सब कुछ सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो मालूम ही था कि गौरी एक दिन मोटा बकरा फंसाएगी। ऊपर वाला बच्चा है हमारे पास फंसने वालों को। फंसने वालों मैं चला अंदर की तलाशी ले आऊं। बजा क्या है उस्ताद जी? आए हाय, आज मौसम बड़ा बेईमान है, लगता है आने वाला कोई तूफान है। उस्ताद जी चुप भी करो, बस करो। अरे छैया जान, जिंदगी भर ठुमकती रही हो लेकिन अभी तक सही ठुमका लगाना नहीं आया। हाय टका, ओए टका, ये और बात है कि जवानी में तुमने भी कम जुल्म नहीं ढाए हैं। ये रहे कागजात, ये बंगला मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। आज हम वाकई बहुत खुश हैं। आपने जमाने भर की खुशियां समेट कर हमारे सामने रख दी है। आज हमें एहसास हुआ है कि आप वाकई हमें बहुत चाहते हैं। चाहत में तो मेरी पत्नी शराफत की पुतली और वफा की देवी है, लेकिन तुम में कोई ऐसी बात जरूर है जो उसमें नहीं। आप हमें भी किसी से कम मत समझें। हमारी शराफत और वफा देखने का आपको मौका कब मिला है, और वक्त आने पर आप हमारी भी ऐसी मिसाल दिया करेंगे। विजय बाबू, खुशी के मारे मेरे पांव नहीं टिक रहे जमीन पर। छैया जान, ऐसे कदरदान से कुछ भी बचा के रखना कदर की तौहीन करना है। अजी, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। इतना बड़ा बंगला गौरी के नाम खरीद कर विजय बाबू ने तो हमें ही खरीद लिया है। मैंने तो गौरी के आंसू और दिल जीतने की कोशिश की है। बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे सिवा इस घर में कोई ना आए। विजय बाबू, गौरी को भी फिल्मों से इतनी कमाई नहीं है। इतनी कमाई होने लगे फिर किसी दूसरे कमबक की सूरत देखने की क्या जरूरत। आप इसकी फिक्र ना करें, महीना खत्म होने से पहले काफी रकम आपके पास पहुंचा दी जाएगी। भैया, अब हमें इनकी मेहरबानियों का कर्ज चुका देना चाहिए। गौरी की नथ उतारने की रस्म की तैयारियां की जाए। नहीं, नहीं, नहीं। हम आपको नहीं जाने देंगे। बंटी बेटे, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मुझे जाने दो, बहुत जरूरी काम है। पहले हमें बताया था क्या जरूरी काम है। बंटी, पापा को जाने दो बेटे, उन्हें जरूरी काम है। मैं वापस आकर अपने बेटे को प्यार से सीने से लगाकर सुलाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मम्मी पापा कहाँ चले जाते हैं? आए हाय, माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है मेरी बेटी पर। कसम खुदा की, तुझे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ रही है। बुढ़ापे को जवानी की यादें ही तो ताजा रखती हैं। क्यों छैया? एक बात याद रखो बेटी, शादीशुदा अय्याश को शीशे में उतारने के लिए तवायफ को अपनी मीठी रातों में बड़ी जबरदस्त जंग लड़नी पड़ती है। अरे बेटी, बूंद बूंद गिराओगी तो मर्द प्यासा रहेगा, और मर्द प्यासा रहेगा तो तुम्हारे दाम बढ़ेंगे, तुम्हारे दाम बढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा। अरे बेटी, मैं तो कहती हूँ कि विजय पर इस तरह छा जाओ कि उसे तुम्हारे सिवा कुछ भी ना दिखाई दे, कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये कि विजय जैसे हसीन मर्द से अगर एक आध बच्चा जनोगी तो आने वाले वक्त में सोने चांदी के निवाले खाओगी। देखती जाओ छैया जान, विजय हमारे अदाओं और हुस्न के समंदर में इस तरह डूबेगा कि फिर उसे कोई किनारा दिखाई नहीं देगा। आए आए, मां सदके। जरा ख्याल रखिएगा विजय साहब, मेरी बच्ची कच्ची कली है, अभी तक पूरी तरह खिली नहीं। आया? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की गहराई में आज डूब जाने को जी चाहता है। तो डूब जाइए ना, रोका किसने है? डरता हूं कहीं तुम्हारे हुस्न की आग मुझे चलाकर राख ना कर दे।
ये तो आपकी कशिश की गर्मी है जिसने हमें पिघला दिया, वरना आज तक तो हम पत्थर बन के जीते रहे। अरे ये जूते नहीं उतारेंगे आप? नहीं, मैं आपके जूते उतार दूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी बीवी हो, नौकरानी नहीं। शायद आपको कोई याद आ गया। तुम ठीक समझी। आज की रात किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा ख्याल कीजिए। हमें हमें अपनी बाहों में ले लीजिए। बंटी तुम? आपने काफी तरक्की कर ली है पापा, अब तो आप सारी सारी रात भारी गुजार देते हैं। आप अभी तक स्कूल नहीं गए? जरा आप अपनी घड़ी की तरफ देखिए, दिन के 11 बजे हैं। मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? I'm sorry बेटे, आइंदा घड़ी घर छोड़कर जाऊंगा। इसका मतलब है आप रात को घर नहीं आएंगे? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आज आप इतने घबराए क्यों है? आपने कोई चोरी की है? आ गया? हाँ। ऐसे क्या देख रही हो? आपकी आंखें कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। नहीं वो मेरा मतलब है नींद से भरी हुई लग रही है। हाँ अब रात भर सोया नहीं। हाँ ताराचंद जी का फोन आया था, कह रहे थे आप कई दिनों से स्टूडियो ही नहीं गए और आपने उनकी शूटिंग भी कैंसिल करवा दी। वो आजकल एक नई कहानी पे काम कर रहा हूँ, तुम्हें बताना भूल गया था। कल तक तो मैं आपकी हर कहानी में आपके साथ थी, लेकिन आज ये कौन सी कहानी है जिसने इस हकीकत को भुला दिया? तुम नाश्ता लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रुकिए। क्या है? पराई चीज थी, फेंक दी। हेलो, पहचाना आपने? ओ गौरी, कैसी हो? ठीक हूं, यानी कि हम आपके दिल में और हमारी आवाज आपकी रूह में बस चुकी है। हाँ कहो, क्या बात है? हमें आप मुबारकबाद दीजिए, हमने आज 10 फिल्में साइन की हैं। अच्छा नहीं किया, करोगी कैसे? जैसे सब हीरोइंस करती हैं। वो लोग गलत करते हैं, पूरा वक्त नहीं दे पाते। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको पूरा वक्त देंगे, बस अब आप जल्दी से आ जाइए। याद नहीं आज ताराचंद जी की पार्टी में जाना है। ओके। क्या हंसी हो रही है ताराचंद जी? बाबा बड़ी शायरी हो रही है नी? मुबारक हो। मुबारक हो। थैंक यू। जरा हमें भी सुनाइए।
आप भी सुन लीजिए, अगली फिल्म का मुखड़ा है, जो फिल्म मैं आगे बना रहा हूँ ना, उसके गाने का मुखड़ा है, मुखड़ा है। एक परदेसी आके दिल ले गया, जाते जाते नौकरों को बिल दे गया। बहुत बहुत मुबारक हो विजय साहब, आपने वाकई मुझे एहसास दिला दिया कि डायरेक्टर जिसे चाहे उसे एक बहुत बड़ा कलाकार बना सकता है। मेरी गलती ने गौरी को एक नामी हीरोइन तो बना दिया। गौरी, तुम्हारी पहली फिल्म की कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। बड़ी छाजो, शैंपेन खोलने में किसका इंतजार है नी? बड़ी तारा चंजीनी, देखो भाई, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंसर का इंतजार हो रहा है। जब वो आता है तो शैंपेन भी खुल जाएगी। लो, उसके चमचे आ गए। हम चमचे नहीं, हम खर्चे हैं। उम्र में इतना बड़ा फाइनेंसर और फिर इतना हैंडसम। आओ आओ बाबूजी, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। ये आपकी पार्टी है या हुस्न की नुमाइश है ताराचंद जी? आज की शाम अच्छी गुजरेगी। तो फिर आइए, फिल्मी हस्ती से मिलिए। ये हैं विजय बाबू, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं, बताने की तो जरूरत है नहीं। हेलो। हाय। और ये है इस फिल्म की हीरोइन गौरी। एक ही फिल्म में ये इतनी ऊपर पहुंच गई है कि लोग इसके काम पर पागल हो गए हैं। गया कि चिराग राह में चल उठे। ये प्रिंस कुमार हैं, हीरों का बिजनेस है, जैसा इनका धंधा है वैसा इनका हीरा दिल है। इस हीरे की चमक देखने के बाद इस पार्टी की चमक में जरा से भी दिलचस्पी नहीं रह गई। अब हमें चलना चाहिए। चलो गोरी। सुनिए, हमसे मुंह मोड़ लिया, हमारा कसूर क्या है? कसूर तो मेरा है, जो अपनी बीवी के प्यार और वफा की लाश पर तुम्हारी चाहत की चादर को कफन बनाकर डाल दिया। यह एहसास मेरे जमीर को धिक्कारने लगा है। आप कितने प्यार से हमारे सामने अपनी बीवी का नाम लेते हैं, ये सब सुन के हमारा दिल कबाब हो जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ अपने सिवा किसी गैर को बर्दाश्त नहीं कर सकता गोरी। दूसरों के साथ हंसता खेलता देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। यह सब तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि बहुत जल्द हमारे प्यार का बंटवारा होने वाला है। क्या? जी हाँ, आपके सामने हमारे सीने पर अटकेलियां करेगा, हमारी जुल्फों से खेलता देखकर आप भी उसका हाथ नहीं रोक सकेंगे। हाय, काश वो जल्दी आ जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? बस आ गया ना गुस्सा। अरे साहब, हमारे यहाँ एक नया मेहमान आने वाला है। गौरी, हमारी मोहब्बत का सबूत मिलने वाला है। चंद ही महीनों में हमारा ख्वाब हकीकत बनकर हमारी गोद में खेलेगा। नहीं, तुम मां नहीं बनोगी। हर औरत एक ना एक दिन मां बनती है, फिर हमारे मां बनने पर आपको क्या एतराज है? हर औरत फिल्म की हीरोइन नहीं होती, और तुम्हारी फिल्मों का क्या बनेगा? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हर बात बताने का एक वक्त होता है विजय साहब। नहीं गोरे, हमें डॉक्टर से सलाह करके इस बच्चे का कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं विजय बाबू, हम पहले ही बहुत गुनाहगार हैं, इतने बड़े गुनाह का बोझ हम नहीं उठा सकेंगे। गोरे, गोरे, हमारी शादी नहीं हुई और अपनी नाजायज औलाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे माहौल में नाजायज को चाय समझ के पैदा किया जाता है विजय साहब। इस बाजार में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे के माथे पर माँ बाप की शादी की मोहर नहीं होती। बाजार हुस्न में कदम रखा है
तो इसके उसूल भी अपनाने होंगे, चाहे वो हम हों, आप हों या हमारी औलाद। नहीं गौरी, मैं गुनाह के शीशे में अपना चेहरा नहीं देख सकता। इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले रोक लो, वरना 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 कुछ भी नहीं होगा। आप तो ऐसे घबरा गए, लाइए हम आपका पसीना पोंछ देते हैं। गौरी, गौरी तुम लड़का पैदा करना। अरे साहब, हमें तो एक मुद्दत से अपनी जैसी बेटी की इच्छा है। नहीं गौरी, तुम बेटी पैदा नहीं करोगी, तुम बेटा पैदा करोगी। अरे साहब, हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, बेटी हो या बेटा, हमें तो आपके प्यार की एक निशानी चाहिए। तुम अभी तक सोई नहीं? अब तक तो सो ही रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब मुझे जाग जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम आज? कल तक ऐसा महसूस नहीं हुआ, आज जो महसूस हुआ वो जुबान पर आ गया। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्र है, मैं आपके लिए अभी तो खूबसूरत तो हूं। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना नहीं, आपको समझाना चाहती हूं। पहले हम इतने दूर रहकर भी कितने पास थे, और अब इतने पास रहकर भी इतने दूर क्यों? मैं आपके लिए खाना लगाती हूं। नहीं शांति, मैं खाना खा चुका हूं। सुनिए, आजकल आप बाजारी खाना कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं। बाजारी चीजें पहले बहुत स्वाद लगती हैं, उसके बाद खराब करती हैं। लाइए, मैं आपका कोट उतार देती हूं। क्या सोचने लग गई हो? सुर्ख रंग खतरे की निशानी होता है ना? बीच में ये सुर्ख रंग कहां से टपक पड़ा? मेरी तकदीर की लकीरों में, और वो लकीरें एकदम धुंधली हो गई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ बाप का साथ, बहन भाई का प्यार, एक लड़की सिर्फ अपने पति के लिए छोड़कर आती है ना? हाँ। और अगर वो पति उसे छोड़कर किसी और के होठों की सुर्खी में खो जाए, तो पत्नी की तकदीर यूं सुर्ख हो जाती है जैसे किसी ने उसको खून कर दिया हो। शांति, तुम जरूर कोई गलतफहमी का शिकार हो गई हो। देखो, मेरे काम में लड़कियों का साथ लगा ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करो। सुनिए बंटी, अब काफी बड़ा हो चुका है, उसके स्कूल जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। सोच रही थी एक और बच्चा पैदा। ओहो, क्या हो गया तुम्हारी सोच को? हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए वक्त चाहिए, और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हेलो, क्या बात है गौरी? मैं लूप लाकर डबिंग के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम यहाँ आने की बजाय मुझे फोन कर रही हो। आज हम डबिंग पे नहीं आ सकते। मगर क्यों? वजह ऐसी है कि हम टेलीफोन पे नहीं बता सकते। आप इसी वक्त फौरन हमारे पास चले आइए प्लीज। अब आप ही बताइए, हम इस हालत में स्टूडियो जाते तो रुस्वा नहीं होते? वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या सोचा है? घर में भी तो प्रोड्यूसरों का आना जाना लगा रहेगा। हमने ये फैसला किया है
कि 2 महीने के लिए बाहर चले जाएं और अखबारों में ये खबर छप जाएगी कि हम सैर व तफरी के लिए गए हैं। मम्मी ये मेरे खिलौने भी रख दो। नहीं बेटे नहीं, यही रहने दो, हम वहां जाके और खिलौने खरीद लेंगे। ये कहां जाने की तैयारी हो रही शांति? हर साल की तरह हॉलीडेज पे जाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए पापा ने टिकट भी भेज दिए। तैयारी करने से पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था। पहले तो ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो इस बार क्यों? इस बार इसलिए कि मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। साथ में? आप अकेले जाना चाहते हैं? काम ही कुछ ऐसा है। काम? ऐसा कौन सा काम आ गया जो हमारे जाने में रुकावट बन रहा है? पहले तो आप इसे 1 महीने के लिए अपना सारा काम भूल जाया करते थे। ओफो! तुम मुझे क्या एहसास दिलाना चाहती हो कि पहले मैं तुम लोगों के लिए अपना जो कीमती वक्त बर्बाद करता रहा हूं वो मेरी वो गलतियां हैं जिनकी सजा तुमसे मिलती रहेगी। गलतियां? 4 साल में 4 महीने के हॉलीडेज, वो भी आप हमें अपनी मर्जी से ले जाया करते थे और आज आप उसे वक्त बर्बाद करना कह रहे हैं। देखो तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इसमें तो सामान निकालो, मुझे जाने की तैयारी करनी है। I'm sorry, but it's impossible to get any rooms in any hotel because of the seminar. अब क्या होगा? लगता है उसी होटल में जाना पड़ेगा जहां मैं जाना नहीं चाहता। सर आप अचानक? अचानक वही आया जाता है जहां अपना हक हो। पर आपके आने की तो कोई खबर नहीं थी, इसलिए सूट तो मैंने किसी और को दे दिया। तो क्या हमें जगह नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं इसलिए देखना ही पड़ेगा। आई विल सी। ओह डार्लिंग, अब क्या होगा? देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने दूसरी शादी कर ली? इस बार तुम और बंटी विजय के साथ हॉलीडेज के लिए क्यों नहीं आई? बस यूं ही, इस बार उन्हें कुछ जरूरी काम था। मुझे दाल में कुछ काला दिखता है शांति। मैंने विजय के साथ उस फिल्म एक्ट्रेस गौरी को देखा था और मुझे ऐसा लगता है कि गौरी तुम्हारी जगह ले रही है शांति। मुझे उन पर पूरा भरोसा है और वो भी तो खुद एक्टर डायरेक्टर हैं। बाहर की जिंदगी में उनके साथ हीरो हीरोइन तो और कौन होगा। खैर मेरा फर्ज था चौकन्ना करना, सो कर दिया। बाय बाय बाय।
गौरी ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया है। आइए आइए। माँ सदके, ये लो शहद, भगवान करे तुम्हारी हर अदा गौरी की तरह हो। हम
अपने जैसी बेटी चाहते थे, मगर आप अपने जैसे बेटे की जिद कर रहे थे। देखा, हम जीत गए और आप हार गए। ठीक कहा तुमने, आज तुम जीत गई और मैं हार गया। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्या रिपोर्ट लाया है सिनेमा से? रिपोर्ट तो ठीक नहीं है ताराचंद जी। अरे क्या बकवास करते हो, अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ठंडा पीकर फिल्म को हिट क्या कर गए? अरे ताराचंद जी, वो लोग ठंडा पीकर फिल्म को हिट बोलने वाले लोगों में से हैं, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से फिल्म का रिएक्शन देख कर आ रहा हूँ। लोगों ने फिल्म और फिल्म बनाने वाले को इतनी गालियां दी है कि अगर आप वहाँ होते तो आप गला दबा देते। हाँ जी बोलो। सजीव, मैं विजय बोल रहा हूँ लंदन से। इतनी बकवास फिल्म बनाई है तुमने कि लोग गालियां दे रहे हैं, डब्बा हो गई है डब्बा। तुम ऐश करो वहां अपनी महबूबा के साथ, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये मैं नहीं कह रहा, हाल में कुर्सियां तोड़ने वाले लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, पब्लिक। ये देखो बेटी, और ये भी देखो, हर पेपर हर मैगजीन में साफ लिखा है कि विजय ने उस कोठे वाली से शादी कर ली है और आजकल उसके साथ हनीमून मनाने गया है। नहीं पापा, आप इन पेपर वालों को नहीं जानते, बात में सच्चाई कुछ नहीं होती और ये लोग कुछ भी लिखा करते हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ पापा। मैं तुझे भी अच्छी तरह से जानता हूँ, तू अपनी आंखों से देखकर कानों से सुनकर भी अपने पति की हर बुराई को छुपाने की कोशिश करेगी। मैं तेरा बाप हूँ बेटी, मैं तुझे इस जुल्म के चक्के में नहीं पिसने दूंगा। चल बंटी को साथ ले और चल मेरे साथ, मैं तुझे इस नरक में उस नीच आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। पापा, आप मेरे घर में खड़े होकर मेरे स्वर्ग जैसे घर और देवता जैसे पति को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं, मैं तेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। गालियां तो लोग दे रहे हैं, थूक रहे हैं मेरे और मेरी इज्जत के नाम पर। मैं उसकी करतूतों पर पर्दा डालकर तुझे अंदर ही अंदर घुटने के लिए नहीं छोड़ूंगा शांति। पापा, आप अपनी शांति की शांति भंग कर रहे हैं। एक बाप होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं? आपने उनको गाली देकर उनका अपमान किया है पापा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। सफर कैसा रहा? ठीक रहा। गुड मॉर्निंग सर। डब्बा, दोनों फिल्में डब्बा, फ्लॉप है ना? हमारा बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। तुमने हमारे दो दो जहाज डुबो दिए हैं और अब चाहते हो कि तीसरे जहाज का भी तुम्हें कैप्टन बना दिया जाए। दो वक्त की रोटी से एक वक्त की रोटी पर तो आ गए। ताराचंद जी, अब मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक वक्त की रोटी भी छीन लो हमसे? नहीं बाबा नहीं, बहुत हो गया। देखो तुम जाओ और जाकर अपने रखेल के साथ रंग रलिया मनाओ। कहता था कि नई लड़की इंट्रोड्यूस करूंगा, ऐसी इंट्रोड्यूस की कि तारा चंद का तारा ही डबो दिया। जाओ भाई, हमें तुमसे फिल्म नहीं बनवानी। जाओ। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में से एक्टर और डायरेक्टर ले लिया था। Cute. Wow. Are you kidding?
प्लीज। किरण तुम ऑटोग्राफ नहीं देंगे? हम तो आज भी आपके फैन हैं, प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। कभी गौर से देखना, सूरज की चमक हमेशा एक जगह नहीं रहती, आती जाती रहती है। अंधेरा होने पर कभी तकदीर को काली नहीं समझना चाहिए, वो चमक फिर आएगी, जरूर आएगी। विजय साहब, आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े जरूर याद कीजिएगा। एनी टाइम, मुझे आपके साथ काम करने में खुशी नहीं, गर्व होगा। गुड मॉर्निंग घनश्याम जी। बड़ी साईं, आज तेरे को हमारे लिए टाइम कैसे मिल गया है नी? घनश्याम जी, एक दिन आपने मुझे 2 लाख रुपए देकर कहा था जब भी फिल्म शुरू करनी हो शुरू कर लेना, आज मेरे पास वक्त है, सोच रहा था आपकी फिल्म क्यों ना शुरू कर दूं। जदी तुझो वक्त छुट्टो हो ना तो क्या मुझे ला वक्त ना हो, जब वक्त खोटा आया तो खोटे सिक्के की तरह मेरे पास चला आया। घनश्याम जी, आदमी का वक्त एक सा नहीं रहता, बदल भी सकता है। वक्त बदल जाएगा तो फिर हम भी बदल जाएंगे नहीं? हाँ, हमारा 2 लाख वापस कब करना है? हाँ, हाँ, बहुत अयाशी की, हाँ, बहुत भांगा टोर मारा। अरे भेना, हमारा 2 लाख रुपया नहीं लौटा है ना, तब माँ तो के जेल में घुमा दो, जेल में, समझे? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहाँ से? अगर 7 काम कर लेते तो मैं... चलती गाड़ी में तो सब चढ़ते हैं, और खटारी गाड़ी में केरे बिना चढ़े तो केरे बिना। अरे भेड़ा, उधर नहीं इधर, दकनी का औलाद बड़ी पहले ही 2 लाख के नीचे दबा हुआ है, बड़ी ऊपर से 5 रुपए का चाय पिलाएगा, कर्जा हो जाएगा 2 लाख 5 रुपया। तुम जाओ, तुम खड़े रहकर मैं टाइम खोटी मत करो, जाओ जाकर 2 लाख का बंदोबस्त करे, नता जेल जो बंदोबस्त करे, जेल जो। मुझे भूख नहीं है शांति। भूख नहीं है? भूखे रहने से परेशानी या मुसीबत हल नहीं हो जाती? इस घर से खुशियां तो लूट चुकी है शांति, लगता है दुख हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। परेशानी का सामना आप हिम्मत से कीजिए तो दुख खुद ब खुद दरवाजे के सामने से लौट जाएंगे, और एक दिन जरूर आएगा जब वो लोग बया की चिड़िया की तरह आपके पास घोंसला बनाने जरूर आएंगे। लेकिन ये लोग हारने वाले के दिल पर तानों के नश्तर से हार लिख देते हैं, और फिर से जीने की उम्मीद तक छीन लेते हैं। छोटे दिल के लोग दूसरों के दिलों पर नश्तर चलाते हैं। आप हिम्मत मत हारिए, मुझे यकीन है कि कामयाबी फिर से आपके कदम चूमेगी, फिर से चूमेगी। हम अंदर आ जाएं। अरे मियां, अंदर तो आप आ ही चुके हैं, अब अगर तुम्हारे पास तशरीफ है तो रखिए। हम प्रिंस कुमार के सगली हैं, उन्होंने गौरी मेम साहब के लिए ये तोहफा भेजा है। भैया जरा देखो ना कि क्या है। लाइए। छैया जान, दोस्तों ये असली है, ये नंबर 2 के लगता है किसी बड़े आदमी से आपकी मुलाकात नहीं हुई आज तक। इनका टका उनका टका तो ही। आप चाय पियेंगे? हम सब काम प्रिंस के ऑर्डर के मुताबिक करते हैं, चाय पीने की इजाजत नहीं है। टका, अरे तो यहाँ से दफान होने की इजाजत तो है। यस सर। अरे तो दफान हो जाओ डिंक टका। बाय बाय। दफान टका, डिंक टका, डुई डुई डुई, मेरी चाल क्यों बदल गई? इनका टका भी इनका टका, इनका टका भी इनका टका। हार देखकर प्रिंस की औकात का अंदाजा तो हो जाता है। अरे बेटी, इस पंछी को फंसाने के लिए पिंजरा जरा ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
ओ विजय साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आइए आइए, लोग आप ही का जिक्र कर लेते हैं। हाँ, हमारा जिक्र तभी होता है जब तुम्हें पैसों की जरूरत आन पड़ती है। ठीक समझे विजय साहब, गौरी बिटिया की जन्मदिन पार्टी में सिर्फ 2 दिन रह गए और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। गौरी ये जानती है आजकल मैं ज्यादा खर्च करने की पोजीशन में नहीं हूं। जन्मदिन मनाएंगे मगर उतनी धूमधाम से नहीं। खैर, हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन छैया जान, फिल्मी लोगों को और सारी बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगी? और फिर हमारी सालगिरह का इंतजार तो सारा साल होता है। अरे मियाँ, बच्चे की पैदाइश के बाद गौरी का ये पहला जन्मदिन है, अगर ये धूमधाम से नहीं मनाया गया तो बिरादरी में तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं आपकी नाक बचाने के लिए कहीं डाका नहीं डाल सकता। अरे डाका डालने की क्या जरूरत है विजय साहब, सिर्फ गौरी के पांव से प्यार की बाजेब उतार कर फिर से घुंघरू बांधने की इजाजत दीजिए, बस फिर देखिए गौरी बिटिया के एक इशारे पर कितनी तिजोरियां खुल जाती हैं। तुम लोग सब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। गरीब, तुम जरा समझाओ, मैं इतनी बड़ी पार्टी नहीं दे सकता। ठीक है छैया जान, आप हमारे सारे जेवर बेच दीजिए, सालगिरह धूमधाम से ही मनाई जाएगी, हम अपनी इज्जत का जनाजा उठते हुए नहीं देख सकते। अच्छा गरीब, अब ये गाड़ी की चाबी रख लीजिए, इसे बेचकर पार्टी का इंतजाम कर लीजिएगा। बुरा ना मानना मियाँ, आदमी को अपनी इज्जत और मान की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। गाड़ी का क्या है, फिर आ जाएगी। धन्यवाद विजय साहब, धन्यवाद। छैया जान, डायरेक्टर साहब, एक नई धुन बनाई है, सुनेंगे? सुनाइए। अरे आराम से सो रहा था मैं, वो घोड़े कपन मजार में, किसने पता बता दिया, इनकी तो या भी सताने, डिंग डिंग आ गए, ट्रिंग ट्रिंग, कैसी तर्ज है? अच्छी है। तो अपनी फिल्म में चांस देंगे म्यूजिक डायरेक्टर का? जरूर देंगे। तो एक और फड़क। नहीं, आज नहीं, ऊपर वाला बचाए तुम्हारे पास फंसने वालों को। ये उल्टी कैसे हो गई बात? गाने और रोने में फर्क होता है उस्ताद जी, अगर आपने फिर से गाना शुरू किया तो यहाँ मौजूद मेहमान आपके गाने के साथ रोने लग जाएंगे और बाहर से आने वाले सारे मेहमान जन्मदिन को मरण दिन समझकर बाहर से वापस लौट जाएंगे। क्यों विजय साहब? देखा आपने कितना असरदार है हमारा म्यूजिक। हाँ बहुत ही करीम, चलो केक काटो। ना 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 ना, अभी केक के सीने में खंजर मत उतारना बेटी। केक काटने के लिए मैंने कुछ खास कातिलों को, मेरा मतलब है खास मेहमानों को बुलाया है। कुछ मेहमानों के लिए इतने सारे मेहमानों को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। वक्त बड़े लोगों का इंतजार करता है, बड़े लोग वक्त का इंतजार नहीं करते विजय साहब। लीजिए, अरे बड़े लोग आ गए। आदाब। अरे मियाँ, इतने तोहफे लाने की क्या जरूरत थी, आपका आना ही किसी तोहफे से कम है क्या? लेकिन खूबसूरत लोगों पर खर्च करना हमारा शौक है। वाह। अगर हुस्न पर दौलत की बरसात ना हो तो उस पर निखार नहीं आता। आपकी बातें आपकी तरह खूबसूरत हैं। आज जमाने की सारी खूबसूरती तुम्हारे हुस्न ने सिमट आई है, इससे पहले कि तुम्हें हमारी नजर लग जाए हम तुम्हारी नजर उतारना चाहते हैं। भिखारियों की मंडली आई है, कैसे झपट रहे हैं कुत्तों की तरह, जैसे हड्डी पे कुत्ते। इस भीड़ में सिर्फ एक अमीर तुम हो गौरी, तुमने हमें खरीद लिया है। हुजूर की जरा नवाजी है, वरना हम किस काबिल हैं? अपनी काबिलियत इस दिल से पूछो गौरी,
पहली मुलाकात में हम तुम्हारे पास छोड़ गए थे। थैंक यू कुमार साहब, आइए ना, इनसे मिलिए। इन्हें कौन नहीं जानता, सही मायने में तो हम दिल से इनके एहसानमंद हैं। इनकी वजह से हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई, तब से अब तक हम तुम्हें एक पल नहीं भूले। गुजरे हुए कल को याद रखना बेकार लोगों का काम है। एक्सक्यूज मी, यहाँ गुजरा हुआ वक्त आप हैं या? खैर, इससे पहले कि ये नाजुक केक किसी नाकाम आशिक के दिल की तरह कट जाए, हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा अपने हाथों से पहनाना चाहते हैं। इतनी खूबसूरत कलाई में इतना मामूली सा कंगन, इस खूबसूरत कलाई की तौहीन कर रहा है। गिर गया सो गिर गया, और गिरे हुए को उठाना आज का दस्तूर नहीं। हाँ गौरी, केक काटें। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, अपने मेहमान से कहो कि यहाँ से चला जाए। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ तो मेरे और अपने रिश्ते का ख्याल करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हम आपकी पसंद जरूर हैं, लेकिन आप हमारी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर ये आपको सब कुछ पसंद नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। चलो गौरी, हमें यहाँ और नहीं ठहरना चाहिए, कम ऑन। गौरी भाई, मैंने तुझे बेशर्मी और बेहयाई के बिस्तर से उठाकर प्यार और वफा की सीट पर बिठाया, लेकिन इस बेवफाई की मंडी में तूने मेरे प्यार और वफा को नीलाम कर दिया। आज तूने एहसास दिला दिया गौरी भाई कि तुम जैसे इज्जत बेचने वाले जलील लोगों को शहादत कभी रास नहीं आ सकती। इसमें दोष तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि मुझे ख्याल नहीं रहा कमीनी जलील औरत। धोखा और फरेब तो तेरे खून में शामिल है, वो गंदा खून जिसने तेरे जमीर को गंदा और बिकाऊ बना दिया है। तू बिकते बिकते इतनी बिक चुकी है गौरी भाई कि तूने अपने जिस्म को हवस और अय्याशी की दुकान बना डाला। होश में आओ विजय बाबू, हम दुकानदार हैं, हम अपना माल बेचते हैं, मुफ्त में बांटते नहीं। हमारे धंधे को धोखे और फरेब का नाम मत दो। तवाइफ के दिल की बालकनी तक पहुंचने के लिए नोटों की सीढ़ी लगानी पड़ती है विजय बाबू। हाँ। और नोट खत्म हो जाने के बाद अय्याश को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपका वक्त खत्म हो गया है, अब आप जाइए मियाँ। अपनी जबान को लगाम दे तवाइफ। कल तक तुम लोग मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे, तलवे चाटते थे मेरे, मगर नहीं, तुम लोगों को कुत्ता कहना कुत्ते की वफादारी को गाली देना है। तुम लोग तो साफ और साफ जो मौका मिलते ही डस लेते हो, जिसे तुम लोगों ने मुझे डस लिया, जाहिर खोल दिया मेरी जिंदगी में। कमीना, ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। क्या हो गया आपको? सुनिए, क्या हो गया आपको? हेलो डॉक्टर साहब, मैं शांति वर्मा बोल रही हूँ। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, आप फौरन आ जाइए डॉक्टर साहब। गौरी,
गौरी, गौरी। ये गौरी कौन है मम्मी? बेटे, इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पापा ही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गौरी हमारी बदनसीबी का दूसरा नाम है। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी, दी जानी दी बर जानी। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी, दी जानी दी बर जानी। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। तेरी मोहब्बत
बन के रहेगी। डॉक्टर साहब, आखिर इन्हें क्या हो गया है? किसी गहरे सदमे की वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इस बार तो खतरा टल गया है। अगर ये अटैक इन्हें दोबारा हुआ तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीजिए, दवाई पी लीजिए। नहीं, नफरत है मुझे इन दवाइयों से। दवाइयां मुझे जिंदगी देना चाहती हैं और मैं जीना नहीं चाहता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे और बंटी को आपकी बहुत जरूरत है। मुझ जैसे आदमी की किसी को क्या जरूरत है? मैं डूबा हुआ वो सूरज हूं जिसे सभी ने मुंह मोड़ लिया। इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ। अब क्या है मेरे पास? मैं हूं ना आपके पास। पापा, हमें आपकी जरूरत है। आप दवाई खा लीजिए, नहीं तो मम्मी और मैं नाश्ता नहीं करेंगे। ओफो, क्यों? क्यों तुम ना मुझसे इतनी मोहब्बत जताते हो? मुझे उतनी मोहब्बत दो जितनी हमेशा के लिए दे सकते हो, वरना मैं किसी की झूठी हमदर्दी के सहारे अपने आप को धोखा देकर जीना नहीं चाहता। झूठी हमदर्दी, मेरा प्यार, मेरी वफा, सबके सब आपके लिए ही तो है, और आप उसे झूठी हमदर्दी। ये प्यार, वफा, औरत के नाम से कोसों दूर है। औरत और मौसम को बदलने में देर नहीं लगती। जाओ, मेरी वीरान जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ। और मुझे अकेला छोड़ दो। आपकी तारीफ। अगर मैं किसी तारीफ के लायक होती तो तुम्हारी चौखट तक कभी नहीं आती। शराफत की दहलीज से तुम्हारी चौखट तक का रास्ता मेरी मजबूरी ने तय किया है। कल तक जो आदमी तुम्हारे हुस्न के समुद्र में डूबा हुआ था, उसे तुम्हारी बेवफाई के लहरों ने उठाकर वफा के किनारे से इतना दूर फेंक दिया है कि उसे अपनी जिंदगी की लहरों से भी नफरत हो गई है। अच्छा, तो तुम हो विजय की बीवी? हाँ, मैं ही उनकी पत्नी जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर विजय हासिल की, लेकिन तुम्हारी झूठी मोहब्बत ने उन्हें हरा दिया। और यह हाल खतरनाक बीमारी बनकर उन्हें दीमक लगी लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर घोलती रही। ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। जिस तरह आपने मेरे पति के दिल को अपनी जुल्फों की जंजीरों में आहिस्ता आहिस्ता बांधा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक गिरा खोलिए। अगर झटका देंगे तो उनका दिल कट जाएगा। हमारी जुल्फ की जंजीर में जकड़े हुए थे, कटते नहीं, मिट जाते हैं। हमारी अदाओं के पिंजरे में कैद पंछी रिहाई के लिए तड़प तड़प के फना हो जाते हैं। और तुम तो खुश नसीब हो, हमने तुम्हारे पति को रिहा कर दिया। पंछी के पर काटकर उसे रिहा करना, ये कहां का इंसाफ है? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के कुछ बोल उन्हें उनकी जिंदगी वापस दे सकते हैं, जहां तुमने उनसे इतने झूठ बोले, उनकी जान बचाने के लिए एक झूठ और बोल दो, मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। हमारे एक झूठ पर लोग लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। हम मुफ्त झूठ नहीं बोलते,
हमने विजय से हर रिश्ता तोड़ दिया है। वो जिंदा रहे मर जाए, हमें क्या। तबले की थाप ने और घुंघरों के शोर ने तेरे जमीर के कानों को बंद कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपनी अदाएं बेचते बेचते अपनी अंदर की औरत को भी नीलाम कर चुकी है। गलती मेरी थी गौरी बाई, गलती मेरी थी जो मैं तुझे एक औरत समझकर तेरी चौखट पे आई, लेकिन नहीं, तू औरत नहीं है, तू औरत के रूप में एक डायन है, डायन है, डायन है। हमारी मुलाकात को इतना वक्त गुजर गया गौरी, और एहसास तक नहीं हुआ। क्या कहा आपने? औरत जात को समझना बहुत मुश्किल है, जहां मौजूद हो वहां अक्सर नहीं होती। माफ कीजिएगा, आज हमारी दो फिल्में रिलीज हैं और राहु केतु अब तक कोई न्यूज लेके नहीं आए। कम इन। कहो क्या रिपोर्ट लाए हो? पहला शो हर थिएटर में हाउसफुल। जैसे ही पब्लिक फिल्म देखकर बाहर निकली, हमने पूछा आपको फिल्म कैसी लगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी मैडम को गालियां दी। क्या मतलब? आपकी दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। थिएटर के बाहर पब्लिक भौंक रही थी और थिएटर के अंदर कुत्ते। Shut up and get out! हम तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहते। गुस्सा ना करो गौरी जान, बिजनेस में ही चलता रहता है, कभी धूप कभी छांव। हमें कोई फिक्र नहीं, अभी हमारी काफी फिल्में बाकी हैं। तुमने एक अरसे से कामयाबी की शक्ल देखी है, नाकामी का मुंह नहीं देखा। अपनी हार जीत में बदलना चाहती हो तो अपनी हार को गले से लगाना सीखो। कामयाबी हमारी गुलाम है और हार हमारे साए से भी डरती है। गरूर का कद अगर लंबा हो जाए तो उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। हमें आपके मुंह से अपनी तारीफ के अलावा कुछ और सुनना पसंद नहीं है। हम तुम्हारी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानते हैं। विजय ने तुम्हें जमीन के जर्रे से आसमान का आफ्ताब बना दिया, मगर तुमने उसे भी नापसंद किया। हीरे का हीरा होना जरूरी है, फिर उसे कोई भी जौहरी तराश सकता है, चाहे वो विजय हो या। और अगर जौहरी अनाड़ी हो तो हीरे की शक्ल बिगाड़ देता है। विजय साहब नमस्ते। नमस्ते विजय साहब, एक बहुत अच्छी किताब आई है, मैंने खुद भी उसे पढ़ा है, आप चाहें तो उस पर बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। दिखाइए। जी अभी लाया। इसका नाम है तवायफ की बेटी। मधुबन मेरा दिखाना चेहरे। गौरी गौरी मैंने तू जैसी बेहया बेशरम जलील औरत नहीं देखी। इस मासूम के पैरों में खनकते जहरीले नाक पहनाने से पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि नाक किसी की शराबत को डस लेंगे? ये क्यों नहीं याद आया ये किसी शरीफ की बेटी है? वाह साहब, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर आहें भरने वाला अयाश, आज अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू बंधे देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा कि घुंघरू नाक बनकर उसकी शराफत को डसने लगे। खैर, अगर आज आपको अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है तो जाइए, जाके दूसरे शरीफों से कहिए कि यहां से अपनी अपनी औलाद पहचान के ले जाए, क्योंकि तवायफ किसी किसान मजदूर या गरीब का खून नहीं होती। यहां कोई किसी सरमायेदार की औलाद होती है तो कोई किसी जागीरदार की बेटी, या फिर आप जैसे शरीफ
अपने अपनी शराफत की निशानियां यहाँ छोड़ जाते हैं। ये क्यों नहीं कहती जलील औरत कि हम जैसे शरीफों को फंसाने के लिए तुमने अपनी अदाओं का जाल इतना मजबूत बुना होता है कि एक बार जो फंस गया तो फंसता ही चला जाता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस जलील माहौल में रहने नहीं दूंगा। किसकी बेटी और कौन सा बाप? बाजारे हुस्न में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ माँ और माँ के नाम से पहचाना जाता है। आपके पास क्या सबूत है कि आप फूल के बाप हैं? कोई करारनामा दिखा सकते हैं आप? बोलिए, बोलते क्यों नहीं विजय साहब? मैं यहाँ जवाब देने नहीं, अपनी बड़ी फूल को लेने आया हूँ। शौक से ले जाइए, मगर कीमत चुकाने के बाद ये मत भूलिए कि आप इस वक्त हुस्न की मंडी में खड़े हैं। आयाशपन की बोली लगाइए, सौदा तय हो गया तो माशूक समझ के ले जाइए। ऐसा ऊंचा नहीं बोलते विजय बाबू, आप जैसे बड़े लोगों को इस तरह से ऊंचा बोलना शोभा नहीं देता। नोट दिखाइए, माल हाजिर है। तू नेहायत ही घटिया औरत है, तूने तो शर्म कभी शर्मिंदा कर दिया गौरी भाई। मैंने तुझे एक मामूली नाचने वाली से हिंदुस्तान की नामचीन कलाकार बना दिया, लाखों रुपए कुर्बान कर दिया तेरी एक एक अदा पर, इसके बदले में तूने मुझे रुसवाई, बदनामी और नाकामी दी। क्या यही सिलाए मेरे एहसानों का? बोल तुम्हारे बोल। आप खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखे, आपने अपने एहसानों के बदले हमारा हुस्न खरीदा, जवानी खरीदी, आपने हमें जलील कहा, घटिया कहा और न जाने क्या क्या कुछ कहा। हम तो दुकानदार हैं, दुकान सजा के बैठे हैं, हमारे यहाँ तो यही सब बिकता है। और आप जैसे शरीफ अपनी वफादार बीवियों को छोड़कर हम बेवफाओं की दुकान से वफा खरीदने आते हैं। बोलिए, बेवफा हम हैं या आप? दौलत लेके इज्जत बेचते हैं हम तो दौलत दे के इज्जत लूटते हैं आप। हताबार हम हैं तो गुनाकार आप भी। फूल इस बाजार हुस्न की बेटी है, यहाँ पैदा हुई, यही जवान होगी और इसी बाजार से उसकी अर्थी उठेगी। नहीं गौरी भाई नहीं, इससे पहले कि यह हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जिए कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं, जाइए और जाके डूब के मर जाइए। इससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। अरे अरे मामा, अरे अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को। अरे तुझे मार, तुझे मार डालूंगा। नहीं, मैं अपनी फूल को बाप के इस किचन में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। आदमी को जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक, जाके डूब के मर जाए, डूब के मर जाए, जाके डूब के मर जाए, जाके डूब के मर जाए। जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं। Thank you.
कभी हमको जुदा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। अरे ना भैया ना, इमा तुहे शर्मिंदा होने की कोने बात नहीं। अरे बड़े लोगों की गलतियां भी तो बड़ी होती है मक्खन लगाई के। कुछ और बात करो दिलदार मियां, मुझे अपने अतीत से नफरत हो गई है। बेवफाई के गंदे रास्ते पर चलते चलते मैं अपनी शांति और बंटी से बहुत दूर निकल गया था। अब मुझे इन दोनों के सिवा कुछ याद नहीं रखना। अरे इलो आ गई हमारे भोजाई, कैसे हो भोजाई? ठीक हूँ, आप कैसे? हम तो चका चक है बिल्कुल। अरे ट्रे में मस्का है का? ये लीजिए भाई, हमारी भोजाई का जवाब नहीं। अच्छा बबुआ एक बात बताओ, अब कौन फिल्म बनाने का फैसला किया हमरे यार ने? एक फ्लॉप डायरेक्टर की सोच पर कौन प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाएगा, इसलिए मैंने और शांति ने फैसला किया है अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ये घर बेचकर। अरे नहीं 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 विजय, अरे हमरे यार देख, हमरे रहते हुए ना हमरी भाभी की जन्नत नहीं बिक सकते। फिल्म बनाने में कितना पैसा लगता है तू हमको बोल, हम देंगे पैसा। यार अब मुझ में एहसानों का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। देखो ना, अगर फिल्म चल गई घर फिर बना लेंगे। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत बोल। दोस्ती निभाने का ये सुनहरी मौका हम अपने हाथ से नहीं जान देंगे। देखो दिलदार भाई, इसमें सारा पैसा डूब भी सकता है। अरे डूबता है तो डूब जाए ससरा, हम कौन छाती पर रख के लेके जाएंगे इसे। देख बबुआ, हमका पूरा यकीन हो गया है कि अब की बार तू फेल नहीं हो सकता। क्यों? कि तेरे साथ हमारी दुआएं हैं और हमारी भौजाई की वफाएं हैं। तू फिल्म शुरू कर दे मालिक का नाम लेकर, पैसे का इंतजाम हम करेंगे मक्खन लगाए के। विजय की नई फिल्म रिलीज हो रही है और इसमें भी इसने एक नई लड़की को चांस दिया है। छोड़ो छैया जान, हर लड़की की किस्मत में गौरी होना इतना आसान नहीं। आए बेबी ना कर गुरूर किस्मत का डिडिंग डिडिंग, ये बेइंसाफी बात है। अरे चार दिन की डिडिंग टिटिंग और फिर अंधेरी रात है। बकवास बंद। ठीक है बंद किए लेते हैं, मगर जब खुलने का मौका आया तो अपनी खुलवा ली, अच्छी तरह चमक वाली किस्मत, और हमारी वैसी की वैसी रहने दी काली किस्मत। अरे अगर उस डायरेक्टर के बच्चे ने हमें अपनी धुने सुनाने का मौका दिया होता तो उसकी ऐसी धुन बजाते, ऐसी धुन बजाते। उस्ताद जी अब जाओ भी यहाँ से। अरे जा रहे हैं जाते हैं, कटका। अरे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले जा रहे हैं, मगर आएंगे और बजाएंगे। अरे बिटिया, तुम्हारे हुस्न का भूत उस कमबख्त विजय की अक्कल को चाट गया है। उसके सर से जब ये भूत उतरेगा तब अक्कल काम करेगी ना। माँ जी ये विजय कौन है? हमारे कारवां की धूल का नाम विजय है। लगता है तुम्हारी कशिश की पकड़ कुछ ढीली होती जा रही है बेटी। आज 10 रोज हो गए, न वो खुद आया न तो उसका कोई पैगाम ही आया। ये तुम्हारी गलत फहमी है छिया जान। हमारे हुस्न के जाल में फंसा हुआ पंछी फड़फड़ाता जरूर है, लेकिन उसे आखिरी सांस तक रिहाई नसीब नहीं होती। पंछी फड़फड़ाए तो वो आजादी मांगता है बेटी। मेरी बात को फेंको मत। प्रिंस कुमार अगर जमाने की रोशनी में गुम हो गया तो फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप आज बिन बुलाए चली आई। लगता है आपको हमारे यहाँ आने से
खुशी नहीं हुई। खुशियाँ खरीदना हमारा शौक है, इनसे मिलिए। हमारी नई खुशी का नाम है चांदनी। हाय। कहो, पसंद आई? हमारी पसंद इतनी घटिया नहीं कुमार साहब, हमारी पसंद का कोई मायार है, कोई अहमियत है। बिकने वाली चीज की अपनी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी अहमियत तो खरीदार बनाता है। हमें आपकी बातों से बेगानगी की बुआ रही है। बहुत समझदार औरत हो। अरे तुम्हारी मुलाकात तो हम करवाना भूल ही गए। ये गौरी है, फिल्मी दुनिया की मशहूर हीरोइन। हाँ हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। हम किसी तारीफ के मोहताज नहीं, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो, हम तुमसे तन्हाई में बात करना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि तन्हाई में हम जरूरत से काफी ज्यादा मिल चुके हैं। अब तुम्हारा साथ होने पर भी तन्हाई काटने को आती है। होश में आइए, आप हमारी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप अपने और हमारे रिश्ते का कुछ तो ख्याल कीजिए। आपने हमारी चाहत बहुत मुश्किल से हासिल की थी। बिकाऊ चीज को हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं, और नकद कारोबार का एक ही तो फायदा है, जब चाह खरीदा, जब चाह छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सिर्फ भरपूर जवानियां खरीदते हैं, ढलता हुआ बदन नहीं, और ढलता हुआ सूरज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आओ आओ, आकर आकर देखो, अपना चेहरा इस आईने में देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। कुमार साहब, कम से कम इस बात का तो ख्याल कीजिए कि हम आपके घर में हैं। विजय भी तुम्हारे घर में था, वो भी चिल्लाया था, तड़पा था, मगर तुमने उसकी एक ना सुनी। हमारे लिए विजय जैसे वफादार इंसान को ठुकरा दिया, और आज हम चांदनी के लिए तुम्हें ठुकराते हैं। चलो। नहीं, सॉरी मैडम, आपका टाइम खत्म हो गया है, दी एंड। हर बेइज्जती तो उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम सिर्फ भरपूर जवानियां खरीदते हैं, उसकी हल्का हुआ पता नहीं, और ढलता हुआ सूरज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। चेहरा इस आईने में देखो। गौरी, ये कुमार ने एक मामूली सी लड़की के लिए हमें घर से निकाल दिया। बोलो शैतान, क्या हमारा हुस्न बेअसर हो चुका है? क्या हमारा वक्त खत्म हो चुका है? बोलो शैतान, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। बेटी, वक्त जालिम इतनी तेजी से गुजर जाता है कि उसकी गर्मी से हुस्न और जवानी मोम की तरह पिघल कर ढल जाते हैं, और एहसास तक नहीं होता। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई थी, मगर फिर तुम्हारी जवानी में मैंने अपनी जवानी को तलाश कर लिया, और मुझे सब्र हो गया। याद रखो बेटी, हुस्न के इस बाजार में पैदा होने वाली हर लड़की जवानी के चढ़ते दिनों में माशूक और उतरते दिनों में अय्याशों की मोहताज होती है। हरगिज़ नहीं, अय्याश और अय्याशी हमारी मोहताज है। कोई हमें हमारी मर्जी के बगैर छोड़ दे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हकीकत के सामने सर झुकाकर हालात से समझौता करना ही पड़ता है बेटी। तवायफ के यहाँ अय्याशों का आना जाना तो लगा ही रहता है, वो नहीं और सही, और नहीं और सही। नहीं, हर कोई हमें हासिल कर ले, ये हमारी तौहीन है। हम मर तो सकते हैं, लेकिन अपने आप को सस्ता नहीं बेच सकते। सोने की परख कसौटी करती है, और तवायफ की परख अय्याश की चाहत करती है।
जवानी की सीढ़ियां उतरती हुई तवायफ अपनी मर्जी से नहीं अय्याश की पसंद से बिकती है। छोड़ो ये सब बातें, जरा अपनी बेटी फूल पर शबाब तो आने दो, फिर देखना तुम अपने आप को गुलाब की तरह तरोताजा महसूस करोगी। नहीं, इससे पहले कि हमारी फूल पर खिजा आ जाए, इससे पहले कि वो हमारा दामन पकड़कर हमसे ये सवाल करे, इससे पहले कि तुम्हारा लालच हमारी बेटी की आबरू को खा जाए, हम अपनी बेटी को गुनाह की इस मंडी से दूर, बहुत दूर ले जाएंगे। तुमने मां बनकर हमारा व्यापार किया, हम मां बनकर अपनी बेटी को प्यार, बहुत प्यार करेंगे। गौरी, अगर तुम हमारी बिरादरी के असूलों से टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी। भैया भाई, तुम्हें अगर हमसे कोई रिश्ता रखना है तो तुम्हें हमारी मां बनकर रहना पड़ेगा, वरना आज से तुम्हारा हमारा हर रास्ता जुदा होता है। गौरी, तुम मुझे, हम तुमसे और इस बाजार से हर रिश्ता तोड़ते हैं, हर रिश्ता तोड़ते हैं, हर रिश्ता तोड़ते हैं। होश में आओ गौरी, एक माँ नहीं एक तवायफ की बेटी बनकर सोचो। फूल मेरे और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपने वक्त को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बकवास बंद करो छिजा भाई, हम फूल के पैरों में गुनाह के गुरु नहीं बंदे देंगे, शराफत की पाजेब पहनाएंगे, शराफत की पाजेब। तुम यहाँ से निकल जाओ। गौरी, यहाँ से निकल जाओ छिजा भाई, मैं कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ। क्या हो गया तुम्हें, ये क्या तुमने कर दिया छिजा भाई, क्या बात बनी, मैं नहीं जाऊंगी, निकल जाओ यहाँ से, नहीं जाऊंगी गौरी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आज के बाद यहाँ कभी मत आना गौरी, कभी मत आना यहाँ, कभी मत आना।
लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे भाई विजय ने फिर एक फिल्मी छक्का मार दिया है। ए, पटो पटो पटो, हमारे ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये हमेशा इसी तरह छक्कों पे छक्के मारते रहें, ताकि एक दिन इनके आगे पीछे छक्कों की लाइन ही लग जाए। अरे, 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 फिल्मी छक्कों की भाई, हमार दोस्त ने ही साबित कर दिया है कि गिर के उठना कौन मुश्किल काम नहीं है। हारता वो शख्स है जो हिम्मत के हाथ से अपना हाथ छुड़ाई लेता है। अब दोस्तों, आप सब खाने के साथ इंसाफ कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं फैमिली मैगजीन का चीफ रिपोर्टर हूं, जानकी दास। आपसे कुछ बातें करनी है, इफ यू डोंट माइंड। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप एक कामयाब घरेलू बीवी होने के नाते हमारे पेपर के जरिए उन औरतों को कुछ कहना चाहेंगी जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी कामयाब नहीं है जितनी होनी चाहिए? हैं हैं, इससे बहुतों का भला होगा। जी हाँ, क्यों नहीं, औरत की कामयाबी उसके सबर के पीछे छुपी होती है। अरे विजय बाबू, सॉरी, आओ यो यो, ये हमारी बहुत खास दोस्त है, बहुत खास। ये तुम्हारी सारी फिल्में बड़े शौक से देखती है। एक बात बताओ, ये हीरोइन ही बन सकती है का? अगर शौक है तो क्यों नहीं बन सकती? हाँ, बात शौक की है, लगन की। एक्सक्यूज मी सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मुझे? अभी आया। यहां से उल्टे पांव चली जाओ। इस पार्टी में तुम्हारे लायक कोई शिकार नहीं है गौरी बाई। बाई नहीं, फूल की मां कही विजय साहब। हम बदलने से जात नहीं बदल जाती। मुझे नफरत है तुम्हारे हर रूप से। एक तवायफ से आपका नफरत करना जायज है, लेकिन आज एक मां अपनी बेटी के बाप से यह कहने आई है कि वो उसको उसकी गुनाहगार मां के नक्शे कदम पे चलने से रोक ले। बाप? कौन बाप, किसकी बेटी? कोई इकरारनामा, कोई तहरीर दिखा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि फूल मेरी बेटी है? ये उस बाजार की बेटी है जहां औलाद सिर्फ अपनी मां के नाम से जानी जाती है। यही कहा था ना तुमने, यही कहा था ना तुमने मुझसे? और फिर आज हुस्न के बाजार की सबसे बड़ी तवायफ फिल्म की मशहूर हीरोइन को अपनी बेटी के लिए बाप का ख्याल कहां से आ गया? जाओ, अपनी तमाम दौलत देकर दुनिया के बाजार से अपनी बेटी के लिए बाप खरीद सकते तो खरीद लो। और अगर शरीफों की शराब पर बिकने से इनकार कर दे तो इस बेकसूर के पांव में घुंघरू बांधकर बाप के उस बाजार में इसे दफन कर दो। लेकिन एक बात याद रखना गोरी भाई, मेरा भी इस समाज में हर शरीफ आदमी की तरह एक तवायफ की बेटी से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। विजय बाबू, हम आपके कसूरवार हैं, मगर फूल, फूल तो बेकसूर है। बाप के बाजार की ये पापन माशरे के शरीफ आदमी से आज उसी की बेटी के लिए भीख मांगने आई है। इस बेकसूर बच्ची को, इस बेकसूर बच्ची को अपना लीजिए, वरना गुनाहगारों की बेगुनाह बेटियों के पिकने और नाचने का सिलसिला कयामत तो कयामत तक चलता रहेगा। गुनेगार? कौन गुनेगार? जिसने तुम्हें नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, और जिसे तुमने बदले में बदनामी, नाकामी और सलालत के सिवा कुछ नहीं दिया, कौन है गुनेगार? जिसने तुम्हारे नरक के अंधेरे में प्यार और वफा के चिराग जलाए और तुमने उन्हीं चिरागों से उसकी जिंदगी में आग लगा दी, कौन है गुनेगार? जिसने तुम्हें प्यार और वफा की निशानी दी और तुमने उसकी शराफत के पैरों में घुंघरू बांधकर उसकी शराफत को सरे पर नाम करना चाहा, बोल कौन गुनेगार? बोल
सब कुछ तो लूट चुके हैं मुझसे। अब तेरे लूटने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तवायफ। क्या आप हमें समझने की कोशिश कीजिए विजय साहब, हम अपने पीछे गुनाहों के तमाम दरवाजे बंद करके आप तक पहुंचे हैं। हमें हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी भूल को अपना लीजिए। आप एक बार हमारी भूल को अपना लीजिए, वरना आपका ये शरीफ समाज हमारी भूल की एक एक पंखड़ी नोच लेगा, एक एक पंखड़ी नोच लेगा। हरगिज नहीं, एक मुद्दत के बाद मैंने सुख का सांस लिया है और फिर तुम मुझे दुखों के जहन में धकेलना चाहती हो। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा गौरी। चली जाओ यहां से और यह समझ कर जाओ कि जितनी मिन्नतें तुमने की हैं उस इंसान से की हैं जिसे तुम्हारी जफाओं ने पत्थर बना दिया है, और तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसे अपनी बेटी मानने से इनकार करता हूं। ठहरिए, अगर एक बाप अपनी बेटी को अपनाने से इनकार करता है तो क्या हुआ, लेकिन एक मां उस बेटी को अपनाने का इकरार करती है। मैं अपने पति की इज्जत को जो इस तरह सरे बाजार नीलाम और रुस्वा नहीं होने दूंगी। मैं इस बच्चे को वो तमाम हक दूंगी जो एक शरीफ घराने की बहू बेटियों को मिलते हैं। इसे मां, बाप, भाई सबका प्यार मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा। इस जाओ बेटी, आज से ये तुम्हारे मां बाप हैं। एक तवायफ मां इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। आज तक सुना था लेकिन देखा नहीं था, आपके रूप में पहली बार देखा है। हमारी खताएं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन आपने हमारी बच्ची को कबूल करके हमारी खताओं को भी शर्मिंदा कर दिया है। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर सकती हूं।